वाह, इतना अच्छा एंटीक का सामान तो मैंने बरसों बाद देखा है। सब ऐसा सामान तो हमारी दुकान में हर हफ्ते आता है। फिर तो हमें हर हफ्ते यहाँ पर आना पड़ेगा, है ना? हाँ। Look at this. Wow, beautiful. Yeah. Oh wow, कितनी खूबसूरत कुर्सी है ये। वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ। कितने की है? खूबसूरती का कोई दाम नहीं होता, आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिए। वाह, कितनी लाजवाब घड़ी है, मैंने अपने लाइफ में ऐसी घड़ी नहीं देखी। इतनी भी खूबसूरत नहीं है यार, देखो कितनी अजीब सी है। अजीब तो होगी, इसमें 12 घंटे के बजाय 13 घंटे जो है। 13 घंटे? वाओ। डार्लिंग, ये कितनी अच्छी घड़ी है, चलो ना इसे भी खरीद लेते हैं। Come on यार, इतनी भी अच्छी नहीं है। It's not worth spending on it. आप भी ना कुछ समझते नहीं हो, मुझे लेनी है ये घड़ी बस। अरे यार कुछ और देख लो, It's not that good. अरे आपको भी समझते ही नहीं है। सॉरी सॉरी, देखिए अब लंच टाइम हो गया है, आप लोग थोड़ी देर बाद आ सकते हैं। तो ठीक है, आप जाकर खाना खा लीजिए, तब तक हम कुछ और देख लेते हैं। हाँ। देखिए मैं दुकान में अकेला हूँ और मैं इस तरह से दुकान को नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे दुकान बंद करनी होगी। अरे हम लोग चोर वोर थोड़ी ना है, आप आराम से जाइए और अपना खाना खा कर आइए। ये पंखा अपने आप कैसे चालू हो गया? ये क्या? ये दुकानदार भागकर कहाँ गया? मैं देखता हूँ। कौन है? कौन है वहाँ? ये क्या हो रहा है भरत? मैं देखता हूँ। हेलो, कोई है क्या? अरे कहाँ हो दुकानदार साहब? ओह हाय, मैं यहां से गुजर रहा था तो आपकी दुकान पर नजर पड़ी, काफी इंटरेस्टिंग सामान है यहाँ। जी देखिए, मुझे एंटीक्स का बड़ा शौक है और मैं कोई ऐसी चीज खरीदना चाहता हूं जो अलग हो, नायाब हो। जी। कोई ऐसी चीज जो सिर्फ मेरे पास हो, या यूं कह लीजिए कि मुझे दुनिया के 8वें अजूबे की तलाश है।
तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपकी तलाश पूरी हो गई। यहाँ रखो, हाँ यही रखो, इस तरफ। थोड़ा पीछे ले, ये और पीछे और पीछे और पीछे। ये सब क्या है विक्रांत? डार्लिंग, देखो मेरे एंटीक्स के खजाने में कुछ और नायाब हीरे आ गए हैं। ऐसा फर्नीचर हमारे अलावा किसी और के पास नहीं होगा। लेकिन विक्रांत, ऐसा फर्नीचर कोई अपने घर में आखिर रखना ही क्यों चाहेगा? क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। विक्रांत प्लीज, तुम इसे वापस करवा दो ना। तू पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता है कितना पैसा दिया मैंने इस सारे सामान का? पूरे 10 लाख। शिखा बेटा, तुम बताओ कैसा लगा ये सब? डैड, अच्छा है पर थोड़ा अजीब सा है। अजीब नहीं, अलग कहो, इट्स डिफरेंट, तभी तो लाया हूं। विक्रांत साहब, आपका सारा सामान रखवा दिया है, मैं चलूं? थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूं और इसी खुशी में हम आज रात एक शानदार पार्टी रखेंगे जिसमें मैं अपने मेहमानों को ये सारा सामान दिखाऊंगा। सब लोग कितना मैं जले नहीं, आ जाओ बेटा। तो सही, नहीं तो जब से पार्टी की बात आई है तुम्हारा मुंह सूजा हुआ। ऐसा हरकतें याद करते थे क्या? क्या हरकत की है मैंने? पता नहीं क्या होता है। क्या भयानक एंटीक बोलते हैं इसे, एंटीक। यू आर लकी, लोगों के पास पैसे नहीं खाने को। अरे यू आर लकी, पर हमारे पास इतना सब कुछ है कि हम पुरानी चीजें भी लोगों को दिखा सकते हैं। हाँ कुमार आता ही होगा, कोई टेंशन नहीं। अरे क्या मेरी तरह का है, कमाल की बातें कर रहे हो, इतनी अच्छी चीज़ें लाए हो तुम, किसी चीज़ में खुश नहीं होती? ये स्ट्रेंज। अरे आइए आइए आइए, कैसे सर? बढ़िया, नमस्ते, प्लीज़ आइए। ओहो आओ भाई कुमार, आए स्टैन। अरे यार विक्रांत, ना ही आज तुम्हारा जन्मदिन है, ना ही शादी की सालगिरह, तो फिर ये सब जस्ट किस खुशी में है? हाँ आ जा, अभी बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप लोगों के 2 मिनट ले सकता हूं प्लीज? थैंक यू। कुमार की तरह आप लोगों के मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि यह पार्टी किस खुशी में, क्योंकि न तो आज मेरा जन्मदिन है और ना ही मेरी खूबसूरत बीवी ने मुझे डिवोर्स दिया है। सॉरी डार्लिंग, दैट्स ओके। दरअसल इस पार्टी का असली मकसद है आप लोगों को अपना कुछ नया एंटीक सामान दिखाना जो कि मैंने आज ही खरीदा है। सो लेट द शो बिगिन। एंटीक्स के मामले में विक्रांत की चॉइस बड़ी कमाल की है, ऐसी ऐसी चीजें ढूंढकर लाता है जो किसी ने कभी देखी भी नहीं।
आइए फ्रेंड्स, यू हर्ड फ्लाइट ऑफ द फिनिक्स, ये 1850s का एक नायाब चाइनीज स्टोन है, यहां आइए। इस घड़ी की खासियत पता है क्या है? ध्यान से देखिए, इसमें 12 नहीं 13 घंटे। पता है मैंने ये क्यों खरीदा है? क्यों, मैं चाहता था कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए यहां, मेरी वाइफ ये हैंडल घुमाकर मुझे हवा दे सके। वाओ यार, इट इज ब्यूटीफुल। अरे कहां से खरीदा इसे? ऐसा फर्नीचर तो ना हमने फिल्मों में देखा है ना ही किताबों में। दिस इज वेरी प्रिटी। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज एंजॉय। देखा डार्लिंग, सब लोगों को हमारा सामान कितना अच्छा लग रहा है। वो सब ठीक है, लेकिन विक्रांत मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम बेवजह परेशान हो रही हो, ट्रस्ट मी कुछ बुरा नहीं होगा। चलो एक ड्रिंक लेते, कम ऑन कम ऑन, गो बेबी एंजॉय। जल्दी करो रामू। मैडम मैं जाऊं? हाँ जाओ। मैंने पहले भी कितनी दफा आपसे कहा कि ये सारा सामान मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, इसे वापस करा दीजिए, लेकिन आप हैं कि मेरी एक नहीं सुनते। अनीता, यू ओवर रिएक्टिंग। तुम कैसे कह सकती हो कि ये सब कुछ इस सामान की वजह से हुआ है? अगर ये सारा कुछ इस सामान की वजह से नहीं हुआ है तो किस वजह से हुआ है? कोई जवाब है आपके पास? खैर, हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं, फिलहाल हमें पंकज के यहाँ जाना है। डैड, मैं भी चलूं आपके साथ में? नहीं, कल आपका एग्जाम है ना, आप पढ़ाई करिए। डैड, मगर मैं आपके अकेली नहीं रह सकती, मुझे डर लगेगा। तुम भी सिली, ऐसा कुछ नहीं होता। आप पढ़ाई करिए, हम थोड़ी देर में होके आते हैं, ठीक है? चलो। अरे चलो भी, चलो। You take care, baby. Bye, mom. Bye, bye, dad. Bye, bye.
ये ड्रॉअर अपने आप कैसे बंद हो गया? पार्टी में हो गई थी। शायद तुम ठीक कह रही थी, जरूर उस फर्नीचर में कुछ गड़बड़ है। नहीं, नहीं फर्नीचर में नहीं, उस घड़ी में। हाँ, उस 13 घंटे वाली घड़ी में। उस घड़ी में? हाँ, आपको याद है कि कल रात को हादसा कितने बजे हुआ था? हादसा? हाँ, ठीक 13 बजे। और मेरे हिसाब से इस वक्त उस घड़ी में भी 13 बज रहे होंगे। एक बज के 10 मिनट, इसका मतलब है कि घड़ी में जब 13 बजते हैं तो घड़ी की मनुष्यत निकल कर बाहर आ जाती है। शायद तुम ठीक कह रही हो,
इसीलिए वो दुकानदार जोर दे रहा था कि मैं ये घड़ी खरीदूं। वो अपनी मुसीबत मेरे सर पर डालना चाहता था। हाँ विक्रांत, आप एक काम कीजिए, आप इसी वक्त ये घड़ी लेकर जाइए और उसे वापस कर दीजिए। ठीक है, चलता हूँ। कहिए के बच्चे, ये कैसा मनहूस फर्नीचर बेचा मुझे? जब से वो फर्नीचर तेरी दुकान से खरीदा है, मेरी जिंदगी में उथल पुथल मच गई है। सामान? किस सामान की बात कर रहे हैं आप? मैंने तो आपको कुछ सामान नहीं बेचा। झूठ मत बोल। मैंने तुझसे वो सारा फर्नीचर और 13 घंटों वाली घड़ी नहीं खरीदी थी। भाई साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं, आज पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? देखिए भाई साहब, आपने वो सामान जरूर किसी दूसरी दुकान से खरीदा होगा जो आप मेरे ऊपर मारने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तरह से नहीं मानोगे तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। मेरी दुकान में खड़े होकर मुझे ही धमकी दे रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने वो सामान आपको बेचा है? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को फोन कर दूंगा तो सारी हेटली निकल जाएगी। अरे जाइए बात। अरे उंगली मत दिखाइए, बाहर जाने का रास्ता देखिए। चलिए आइए 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 आइए। कुछ है एंटी खरीदना आपको? जी हमें आपसे एक घड़ी खरीदनी। घड़ी? हाँ क्यों नहीं, अब मेरे पास बहुत सारी घड़ियां हैं, आइए देखिए। हमें 13 घंटों वाली घड़ी खरीदनी है। 13 घंटों वाली घड़ी? हाँ, आपके दुकान में है ना 13 घंटों वाली घड़ी? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसी कोई घड़ी नहीं है मेरे पास। आप झूठ बोल रहे हैं, हम जानते हैं कि आपके पास ऐसी एक घड़ी है। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अजी पागल आदमी आप। अरे कहीं 13 घंटे वाले भी कोई घड़ी होती है? अब, अरे चाचा नाराज क्यों होते हो? ये देखिए, हम तो आए थे यहाँ पे घड़ी खरीदने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसी घड़ी आ जाए तो हमें बता दीजिए, ठीक है? चल। अरे अरे एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। अगर मैं आपको उस घड़ी का पता बता दूं तो ये पैसे मुझे मिल जाएंगे? बस विक्रांत, इस घड़ी को यही छोड़ते हैं, चलो। हाँ तुम ठीक कह रहे हो।
चलो। हाँ, चलो। अनिता अंदर बैठो। जी कहिए। ये मिस्टर विक्रांत का घर ही है ना? जी हाँ, पर आप लोग? दरअसल हमें घड़ी की तलाश है। घड़ी की तलाश? वही घड़ी जिसमें 12 की जगह 13 घंटे हैं। अपना ध्यान रखिए मॉम। मॉम ऐसे घबराइए मत प्लीज। मॉम संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक तो है ना? क्या हुआ इन्हें? उसी घड़ी की वजह से अब तक सदमे में है। क्यों, ऐसा क्या है उस घड़ी में? नाम मत लो उस घड़ी का। जब से वो मनहूस चीज इस घर में लाया हूं मैं, मेरी पूरी जिंदगी नरक बन गई है। हमने उस घड़ी को जंगल में भी फेंकने की कोशिश करी, लेकिन 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 क्या, जब हम लोग घर वापस आए तो वो घड़ी घड़ी हमारा पहले से इंतजार कर रही थी। मतलब जिस घड़ी को आप लोगों ने जंगल में छोड़ा, वो अपने आप घर वापस पहुंच गई। श्रापित है वो, मनहूस है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैं उस घड़ी को खरीद कर इस घर में लाया। क्या हम वो घड़ी देख सकते हैं?
आप लोग चलिए यहाँ से, बाद में आते हैं। क्यों, क्या हुआ? 13 बजने वाले हैं। बजते ही यहां एक ऐसा तूफान आता है जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यहां से चलिए वरना हम लोग भी मारे जाएंगे। अब मिस्टर विक्रम संभालिए अपने, कुछ भी होगा। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मैंने कहा ना चलिए यहां से अगर जीना है तो। भागिए, अरे भागो। तेरा बच चुके हैं लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। अब तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक एक मिनट में ये सब कैसे हो गया? मुझे तो लगता है जरूर ये सब इस घड़ी ने किया। ठीक 13 बजे। अब मुझे समझ में आया कि वो लोग इस घड़ी से इतना क्यों डर रहे थे। इस घड़ी में जरूर कोई शक्ति है जो 13 बजते ही जिंदा हो जाती है। फिर तो हमें इस घड़ी को तभी रिकॉर्ड करना होगा जब 13 बजने वाले। हो सकता है उस वक्त हम उस शक्ति को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सारे कनेक्शंस लगा दिए, ऑन करके दे। सब कुछ सेट है। मुझे बहुत डर लग रहा है। राघव इस कमरे में अकेला है, अगर इसे कुछ हो गया तो। डर मत यामिनी, हम दोनों यही हैं। राघव को कुछ नहीं होगा, बस एक बार ये पता चल जाए कि वो ऐसी कौन सी शक्ति इस घड़ी में जो मौत का तूफान लेके आती है।
मैं पूछता हूँ कौन है? सामने क्यों नहीं आते? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.